गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपने लिखना नहीं है भाई, ये डिस्कशन कर रहे हैं आप। कल हम डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बताओ। तो जो मेटल होती है और नॉन मेटल की बाद में करेंगे, मेटल के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेटल क्या करती है? फास्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं। अब बहुत सारी मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, जैसे सीयू ले लेते हैं हम, सीयू कॉपर, कॉपर रिएक्ट करता ऑक्सीजन के साथ, क्या बनता है? 2CuO। तो क्या बनाती हैं जब मेटल रिएक्ट करती हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड बनेगा। और मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेस के होते हैं, जो टेस्ट में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी। इसमें एक खास बात ध्यान में रखेंगे, जो सोडियम है हमारा, एक सोडियम होता है, एक पोटेशियम होता है, दे आर प्लेस्ड इन केरोसिन ऑयल। क्या किया जाता है इनको? मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मिट्टी के तेल में डुबोकर? क्योंकि ये ऑक्सीजन से बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे आग लगने का खतरा भी होता है भाई। इसीलिए ना तो इसको एयर में रखा जा सकता और ना ही वाटर में रखा जा सकता। कहाँ रखा जाता है सोडियम पोटासियम को? इन द केरोसिन ऑयल। फिर है रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर। जो मेटल है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ, क्या बनाती है? मेनली हाइड्रोक्साइड। क्या बनाती है? हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? मेटल प्लस वाटर, क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब मैं, बहुत सारे बच्चों को तो हाइड्रोक्साइड के बारे में नहीं पता होगा। हाइड्रोक्साइड होता है भाई OH, OH के लिए हाइड्रोक्साइड लगता है। तो कोई भी मेटल है जैसे Na है, ये रिएक्ट करती है वाटर के साथ, क्या बनाएगी? NaOH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 यहाँ पे एलिमिनेट होगा भाई, H2। अब जो H2O होता है, इसमें एक H होता है, एक OH होता है, तो एक OH गया लेकिन वहाँ H2 आया, क्योंकि H कभी भी अकेला नहीं निकलता भाई, H2 की फॉर्म में निकलता है। तो 2 लेंगे यहाँ 2 NaOH और H2। ये हुई रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता ठंडे पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं। और बहुत सारी रिएक्शन एक आती है यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपके टॉपिक में भी रहेगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम करते हैं Fe+CuSO4। देखो ये हो गया अपना कंपाउंड यौगिक, ये होगी मोर एक्टिव मेटल। तो क्या हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ए रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव मेटल, ये मोर एक्टिव है, डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, लेस एक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से हटा देती है, क्या बनेगा यहाँ? Fe SO4 plus Cu। तो क्या किया भाई आयरन ने? कॉपर को हटा दिया इसके साल्ट में से, CO अपना एलिमिनेट हो गया। ये होगी अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं भाई। फर्स्ट आती है इसमें रिएक्शन विद
ऑक्सीजन जिस तरह से मेटल रिएक्ट करती थी ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाती थी, नॉन मेटल भी रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बनाती है। वाटर भी बनता है यहाँ 2H2। तो ये ऑक्साइड कैसे हो सकते हैं? एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते नहीं एसिडिक या न्यूट्रल। ये अपना न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो क्या लिखेंगे आप इसमें? नॉन मेटल। वैसे इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जिस अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से मैं आपको करवा दूंगा। अगर कोई डीपली इसको पढ़ना चाहता है तब ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल हुई कार्बन भी और ये भी नॉन मेटल हुई। ये क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे जो एसिडिक भी हो सकते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। लेकिन जो मेटल के ऑक्साइड होते थे, किसके? मेटल के। वो कैसे होते थे? बेसिक। लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती भाई। सेकंड प्रॉपर्टी आप ये लिख लेंगे, इतना ही सफिशियंट है आपके लिए। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हाइड्रोजन देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत सारे यूजेस हैं, वेरियस यूजेस हैं। इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन ही लिखवाऊंगा आपके सिलेबस में अगर होगा तो। आज के लिए आप इतना ही करेंगे। थैंक यू।